सारा कुछ गया मेरा बुक्का मेरा बुक्का कितने जाओ मैं कितू लगा तानू आज उठ के आज परिवार से परिवारजन यहाँ पर हो गया ठीक अमृतसर भेज रहे हैं हो गया ये अमृतसर का रहने वाला था जिनकी 1.5-2 साल पहले कुछ साल पहले शादी हुई थी आप देखते लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा पा रहे हैं पापा लगेगा बुके सारा कुछ गया मेरा बुक्का मेरा बुक्का कितने जाओ मैं कितू लगा तानू आज उठ के आज तो ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी किस तरीके से एक बहुत दर्दनाक एक हादसा सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे परिवार का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं एक पत्नी कितनी ज़्यादा परेशान होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं उनके हाथ में जो है एक जूता है और आपको बताना चाहेंगे ये उन्हीं का जूता है जी हाँ जिनकी कल सड़क हादसे में मौत हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी उम्र है जी हाँ इनकी कितनी छोटी सी उम्र है। इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। घूमने गए थे पता नहीं कहाँ घूमने गए थे। कल कितने बजे निकले थे? रात सुबह 4:30 बजे क्या ना उन्हें 8 बजे तक आ रहे हैं वो वापस। मैं 10 बजे फ़ोन किया पुलिस वाले ने फ़ोन चुकया इन्होंने नहीं चुकया फ़ोन। चार एक मेरा देवर एक मेरा भाई एक मेरे हस्बैंड एक मेरा जीजा आए आए मेरा बुग्गा किवें संभालगे बुग्गू सारे लै गए सारे लै गए बच्चे मैं कितने जावगी किनू बुलावगी हूं फोन किनू करूँगी मैं। मैं इसकी मासी हूँ यही मेरी बेटी है मैं इसकी मासी हूँ हमारा जवाई है नहीं मैं दिल्ली से आई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक पत्नी कितनी बुरी तरीके से रोती हुई परेशान होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बताना चाहेंगे देख सकते हैं जूता जो है इनके पास है उनका और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रोती बिलकती नज़र ज़रूर आ रही है। बताना चाहेंगे बहुत ही दर्दनाक जो है एक सड़क हादसा कल असन सालवन रोड से सामने आया था जहां पर आपको बता दे कि 4 लोगों की जो है मौत हो जाती है। जी हां 4 लोगों की मौत हो जाती है। देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो है पूरा परिवार रोता बिलकता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान आपको कर देगी और किस तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि पूरा परिवार जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। जी हाँ पूरा परिवार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इस पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है। बताना चाहेंगे एक सड़क हादसे में सड़क दुर्घटना में मौके पर ही जो है 2 लोगों की मौत हो जाती है। 2 लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल होते हैं और बताना चाहेंगे उनकी जब हॉस्पिटल उनको लेकर आया जा रहा था तो रस्ते में जो है वो भी अपना दम तोड़ देते हैं। आपको अपील करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। जी हाँ इस परिवार को इंसाफ मिल सके। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे जानकारी लेने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सर आपके क्या कुछ लगते हैं?
मेरी बाजुएं थी सारे ही खोले फिर। आपको कितने बजे पता लगा था इसके बारे में? 9 बजे सुबह। 9 बजे कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सालवन को जा रहे थे किसी बुआ को मिलने। 9 से 10 बजे के बीच में आया फ़ोन पुलिस वालों का और उन्होंने बताया। हम तो वहाँ गए हैं, वहाँ जाने के बाद हमारे को दोनों का पता लगा है। उसके बाद फिर यहाँ आया करनाल, यहाँ के बाकी दोनों का पता लग गया। तो बुआ के घर पहुँच ही नहीं पाए थे? नहीं, वहाँ नहीं गए। कोई रिकॉर्डिंग्स, कोई वीडियो, कोई ट्रक ड्राइवर का नंबर कुछ पता चला? ट्रक जो है उनके कब्जे में ही है, बाकी ड्राइवर तो मौके पे ही भाग गया था। आपके क्या कुछ लगते हैं सर? भाई है मेरा, गौतम भी भाई है, चांद भी भाई। एक भाई है, उनकी डेढ़ महीना पहले ही शादी हुई थी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले थे? पानीपत के, अमृतसर। पानीपत और अमृतसर के। जो अमृतसर वाले थे वो आपके यहाँ पानीपत आए हुए थे मिलने के लिए? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि हैरान कर देने वाला ये मामला है कि कैसे जो है एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की जो है मौत हो जाती है। और बताना चाहेंगे 2 लोग जो है ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो जाती है, वहीं जिनको हॉस्पिटल लेकर आया जाता है वो भी रास्ते में दम तोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है, हाथ में जो है उनके जूता है। बताना चाहेंगे इनके पति का जो है इनका जूता है। बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में इनके पति, इनके भाई, इनके देवर की जो है मृत्यु हो चुकी है। आप समझ सकते हैं इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, रो रो कर बेहाल है। बताना चाहेंगे जब वो घर से गए थे तो ना किसी को भी जो है इन्फॉर्म नहीं करके गए थे और रास्ते में जो है ये खबर आ जाती है कि एक सड़क दुर्घटना हो गई है। बताना चाहेंगे स्विफ्ट कार में जो है वो लोग मौजूद थे और बता दें कि ट्रक के साथ जो है टक्कर होती है। जी हाँ, ट्रक के साथ टक्कर होती है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बताना चाहेंगे, जानकारी मिली है जो उनके पिता है यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे जानकारी लेंगे कि सर आपके क्या कौन कौन लगते थे, आप किसके पिता? मेरा सारा परिवार ही मेरा था। एक मेरा दामाद है, एक बेटा है, एक बेटे का मामे का बेटा है, एक उनका दोस्त है साथ में। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पानीपत से निकले सुबह 6 बजे बुआ को मिलने के लिए। मेरा दामाद कहने लगा बच्चों को, अपने सालों को, कि चलो मेरी बुआ यार थी आसपास कहीं बल्ला सालपन के आसपास, चलो चलते हैं, आधे घंटे का रास्ता ही है तो चलते हैं। तो बच्चे तैयार हो गए तो ये चले गए, मेरे को तो पता नहीं, मैं सो रहा था अभी। अच्छा, घर पे इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ जी। सुबह कितने बजे निकले? सुबह 6 बजे निकले थे। 6 बजे निकले थे जी। तो हमारे को पुलिस वालों का फ़ोन आया था ऐसे हादसा हो गया, तो वहाँ पर इस मौके पर तुम पहुँच पड़ा। उनके ऊपर गाड़ी अपनी पता नहीं, शायद स्विफ्ट थी या डी आर थी, ऐसे डी आर थी जी, ट्रक के साथ। हाँ जी, वो ट्रक जो ऐसा है, ट्रक पानीपत से आ रहा था, ये वापसी में भी जा रहे थे। अच्छा। तो आगे से कोई मोटरसाइकिल आया ना, मोटरसाइकिल को बचाते बचाते ट्रक में लगी, तो ट्रक में गाड़ी इनकी घूम के लगी दीवार में, गाड़ी घूम के लगी दीवार में, उसके बाद में तो चारों की चारों डेथ हो गई। जो मोटरसाइकिल वाला आज बता रहे हैं वो भी खत्म हो गया मोटरसाइकिल जी, एक बाइक को बचाने का। हाँ जी, हाँ जी, बाइक को बचाने के लिए। अगर ये वहाँ पर पुलिस वाले जैसे पहुँचे थे मौके पे, अगर जैसे सांस ले रहे थे बच्चे हमारे, पानी मांग रहे थे, पानी ले रहे थे, ये बच जाते। वो पानी मांग रहे थे? हाँ जी, पानी भी नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है मांग रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि पानी अगर मिल जाता तो शायद किसी एक की जान बच जाती। हालांकि आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा जो है सिस्टम यहां पर, जी हां, सिस्टम कितना ज़्यादा स्लो है। अगर मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई होती तो शायद जो है परिवार के सदस्य आज जो है इनके पास होते। आप देख सकते हैं पूरे परिवार का रो रो कर बेहाल हो चुके हैं पूरा परिवार। आप देख सकते हैं पिता से हमने अभी बात की है, पिता की आंखें बताते हुए भी जो है इतनी ज़्यादा नम हो रही है। हालांकि उनका कहना है कि अगर मौके पर जो है उनको पानी मिल जाता, मौके पर जो है उनको जल्द से जल्द जो है एम्बुलेंस जैसी फैसिलिटी मिल जाती तो शायद जो है उनके परिवार के सदस्य बच सकते थे। आपको बताना चाहेंगे असन सालवन रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे एक बाइक को जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा था, बाइक पर जो है एक पति पत्नी मौजूद थी, उसको जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा था, ट्रक सामने से आ रहा था। और जो आपको बता दें कि किस तरीके से उस बाइक को बचाने के चक्कर में जो गाड़ी है वो ट्रक के साथ उसकी टक्कर होती है, और टक्कर इतनी ज़्यादा भयंकर है
कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे, जो कार है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जी हाँ, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आपको बता दें कि ना उस कार के अंदर जो शीशा था, फ्रंट जो पार्ट होता है कार का, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो बताना चाहेंगे जो लोग, चार लोग जो है इस कार में मौजूद थे, और चारों के चारों आपको बता दें कि अब जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। और बताना चाहेंगे जिस मोटरसाइकिल वाले को वो बचाने का प्रयास कर रहे थे, उस महिला के पति की भी जो है मृत्यु हो चुकी है। उसको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। बता दें कि उसकी भी जो है मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा बताना चाहेंगे गंभीर चोटें ज़रूर आई है, और अब हालांकि वो जो है अस्पताल में अभी एडमिट है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतना दर्दनाक हादसा ये था कि पाँच लोगों की, जी हाँ, पाँच युवाओं की जो है जान ले बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क हादसे इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि पूरे का पूरा परिवार जो है यहाँ पर उजड़ गया है। आप सभी से अपील करूँगी कि इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और एक बार आप सतर्क ज़रूर हो जाइए, अगर आप सड़क पर चलते हैं तो नियमों का, कानूनों का पालना ज़रूर करें, ताकि इस तरीके के हादसे रुक सके। आप सभी से अपील, खबर को देखिए, खबर को शेयर ज़रूर कीजिए।